नमस्कार, आई एम डॉक्टर ईशा जैन। आज हम वीडियो में केस करेंगे एबीसी लिमिटेड कंपनी का। एबीसी लिमिटेड ने अपने कुछ प्लांट्स में परचेजिंग की, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ड्यूरिंग द टेन्योर, उसकी लाइफ पूरी होने से पहले उन्होंने वो एसेट सेल कर दी। नाउ दे वांट टू नो कि उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो कितना हुआ और कैसे उसे हम शो करेंगे। चलो उनकी हेल्प करते हैं। एबीसी लिमिटेड ने, अच्छा इसमें आपको पहले बता दें, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हुआ है और 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। अकाउंट्स आपके 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। 2016 में 1 जनवरी को उन्होंने एक प्लांट परचेज किया 60,000 का और एक प्लांट परचेज किया 1 जुलाई को 18,000 का, जिसके ऊपर उन्होंने 2,000 के एक्सपेंसेस किए। 31 दिसंबर को एनुअल डेप्रिसिएशन लगा 10%, 60,000 का 60,000 का 10% जो है 6,000 हुआ। क्लियर? यू कैन शो इट लाइक 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। ओके, और प्लांट टू का हमारा लगेगा 20,000 का 10% बट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये हमने 1 जुलाई को परचेज किया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा, ये हो गया हमारा 1,000। बैलेंस कैरी डाउन हमने कैलकुलेट किया, उसके बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करके प्लांट वन का और यहाँ पे प्लांट टू का, दोनों का टोटल हमने यहाँ पे दे दिया है बैलेंसेस का, जिसे हमने कैरी डाउन किया और ब्रॉट डाउन किया 2017 में सेकेंड मशीनरी का, क्योंकि अब जनवरी से दिसंबर तक लग रहा है तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। दैट मीन्स 20,000 का 10% विच इज 2,000। एज इट इज हमारा बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट होकर 18 में हमारा ब्रॉट डाउन हो गया। अब 2018 में उन्होंने अपना प्लांट वन सेल किया जो 2016 में परचेज किया था, जिसकी बुक वैल्यू थी 48,000। ठीक है, ये उन्होंने सेल किया 1 जुलाई को 27,000 में। तो पहले तो उसका लॉस निकालने से पहले हम जुलाई तक का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स जनवरी से लेके जून तक का 6 मंथ्स का, तो यहाँ पे हमने वो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। 6,000 हमारा एनुअल था तो हमने उसका 6 मंथ्स के लिए हाफ कर दिया। और यू कैन शो इट लाइक 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ गया 3,000। ये देखिए 6 मंथ्स के लिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया। और फिर उसके बाद हमने उसका लॉस कैसे निकाला, जो उसकी बुक वैल्यू थी उसमें से हमने उसकी रियलाइज्ड वैल्यू और डेप्रिसिएशन दोनों को लेस कर दिया है। ये उसका लॉस आ गया, क्योंकि लॉस है इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे दिया है। अगर इसका प्रॉफिट होता तो हम इसे डेबिट में लिखते, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम लॉस का केस करते हैं। तो यहाँ पे लॉस था, ये हमने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूला से और हमारी वैल्यू आ गई 18,000। उसके बाद फिर प्लांट टू का हम जो है एज इट इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे 2,000, जो हमारा फ्लैट चलता आ रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और बैलेंस हमने सेल उसकी जो बुक वैल्यू थी उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर दी है। यहां से हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया प्लांट टू का। 1 अक्टूबर को हमने 2019 में एक और मशीनरी, एक और प्लांट परचेज किया 64,000 का, जिसको हमने ब्रैकेट में शो कर दिया है कि ये प्लांट 3 है, सेम 10% है। लेकिन उसी साल में जो हमारा प्लांट 2 था जिसकी बुक वैल्यू 15,000 थी, उसको सेल कर दिया 10,000 में। अब क्योंकि 1 अक्टूबर को किया है तो 30 सितंबर तक का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 9 मंथ्स का, तो ये हमारा कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू 2,000 हमारा डेप्रिसिएशन लगता था, इसको हम 9 मंथ्स का निकाल रहे हैं। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,500। और जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वैसे ही हम जो है इसका लॉस कैलकुलेट करेंगे। ये मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, ये मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे रही हूँ। ये हमारा जो है अगेन लॉस है ऑन प्लांट टू। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन हमने प्रोवाइड किया क्योंकि प्लांट टू तो बिक चुका है, इसका हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है प्लांट थ्री के लिए, पी थ्री के लिए। ये कैसे हमने प्रोवाइड किया, क्योंकि 1 अक्टूबर को इसको परचेज किया गया है। ये देखिए 1 अक्टूबर को परचेज किया है, तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 64,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। तो हम ये निकालेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए,
ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1600 की। इन द सेम वे जैसे हम ऊपर करते आए हैं, हमने यहाँ पे इसका बैलेंस कैलकुलेट किया प्लांट थ्री का। अगेन ये हमने किया इसके बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करके, विच कम्स डाउन टू 62,400, और इसको हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ब्रोक डाउन करेंगे 2020 में जो हमारा नेक्स्ट ईयर है। इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस पर्टिकुलर केस, जहाँ पे हम किसी भी कंपनी की किसी भी एसेट की किसी भी एसेट को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, और इन द मीन टाइम उसकी सेल पे अगर हमें लॉस होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो आज हमने इस वीडियो में किया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।